अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह के फजल से ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज था सैटरडे और मैं ऑफिस से आई थी थोड़ा लेट, तो हमने जाना था शॉपिंग के लिए तो मैं लेट भी हो गए, तो मैंने कहा कि चलें फिर भी चलते हैं, सैटरडे है तो थोड़ा कुछ देख लें। तो हम पहुंच गए थे इधर मॉल में, तो सोचा कि चलो कुछ शॉपिंग करते हैं। अब हम अंदर आ चुके हैं और अब हम मुख्तलिफ आउटलेट्स को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या नया आया है। ये मैं हूँ जे डॉट के आउटलेट पे। अभी व्यू थोड़ा डिफरेंट हो गया, इसको इग्नोर करिएगा। तो जे डॉट पे अभी भी सेल चल रही थी, 27 को इसका लास्ट डे होगा, 27 अक्टूबर को इसका लास्ट डे है इनकी सेल का। तो हमने सोचा चलो सेल थोड़ा फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ये इनके 3 पीस सूट हैं जो मुख्तलिफ अप टू 50% थी, तो इसके काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑफ हुआ हुआ था, तो बहुत अच्छे इसके प्राइस हुए हुए थे, मतलब 40% ऑफ, 30% ऑफ, तो काफ़ी अच्छे इनके रेट्स हो गए थे आफ्टर सेल। तो सेल तो मैं इधर से कोई सूट वगैरह तो मैं नहीं ले सकी क्योंकि इनकी जब लगी थी तो मैंने ऑनलाइन ही, मैंने और मेरी सिस्टर अम्मी भाभी ने ऑनलाइन इनसे जो सूट लेने थे हमने वो ले लिए थे। तो इधर से हमने कुछ परफ्यूम्स वगैरह और कुछ बॉडी स्प्रे और मैंने एक दो लिपस्टिक्स ली, तो सिर्फ हमने वही कॉस्मेटिक्स की चीज़ें ले सके, कपड़े वगैरह कुछ नहीं लिए। तो कपड़े क्योंकि हमने ऑनलाइन ले लिए थे। ये इनके 3 पीस हैं जिनके साथ पैचेस वगैरह भी हैं और काफ़ी अच्छे रीजनेबल प्राइस में हुए हुए हैं। तो ये इस पे 40% ऑफ है, 3 पीस है, इस पे भी 35% ऑफ है, ये भी इस पे भी ऑफ है, इस पे 40% ऑफ है, मतलब काफ़ी ऑफ होने के बाद इनकी अच्छी प्राइस हो गई थी जो बंदा ले सकता है। लेकिन एक मसला ये भी था कि ये सारे थे लॉन स्टफ के, तो अगर आप नेक्स्ट गर्मियों में ये ले के रख लें, नेक्स्ट गर्मियों के स्टार्ट में आप ये इनको सिलवाएं तो फिर ये इनका फ़ायदा हो सकता है अभी। तो कुड़ियों, तुम भी अगर ये फ़ायदा उठाना चाहती हो तो अपनी अम्मी और बहनों को पकड़ो और पहुंच जाओ जे डॉट के आउटलेट पे और इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाओ, क्योंकि 27 लास्ट डे है संडे को। तो मैं चाहती हूँ मैंने फ़ायदा उठाया तो आप लोग भी उठाएं। इसके अलावा मज़े की चीज़ ये थी कि इनके कॉस्मेटिक्स पे भी और परफ्यूम्स पे भी ऑफ था। परफ्यूम पे 15 to 25% तक ऑफ था और कॉस्मेटिक्स पे 50% तक ऑफ था। तो मैंने 2 लिप कलर लिए, इसके अलावा कुछ परफ्यूम्स और स्प्रे लिए, बॉडी स्प्रे लिए, जो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी क्योंकि ये ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसमें मैं नहीं आपको दिखा सकी, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट में आपको बताऊँगी। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ उनके सूट्स जिन पे ऑफ है और इसमें बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन भी हैं। मेरी मम्मी को भी कुछ इसमें से पसंद थे, लेकिन बात वही आ जाती थी कि नेक्स्ट गर्मियों में ही इनको पहनने का मौका मिल सकना था, तो इस वजह से मैंने कहा कि इंशाल्लाह ज़िंदगी दे तो फिर नेक्स्ट में लेके दोबारा फिर हम सिलवाएंगे। अभी इनको रहने देते हैं, अभी जब इनकी नई कलेक्शन आएगी तो उसमें हम फिर सर्दियों के लेके फिर वो स्टिच करवा लेंगे। तो अभी हमने जो पहले बस ऑनलाइन ले लिए वो ही काफ़ी है। ये आप देख सकते हैं, आप देखते जाएं। और नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं इंशाल्लाह अपनी अम्मी से भी आपको मिलवाऊंगी और मेरी अम्मी को भी आप देखिएगा और उनको फिर बताइएगा कि आपको मेरी अम्मी कैसी लगी। मेरी अम्मी बहुत स्वीट है और वो इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मेरी अम्मी कितनी स्वीट है। और चलें फिर आगे चलते हैं। ये अब हम जा रहे हैं इनका जो प्रेट वाला सेशन सेक्शन है उसकी तरफ हम जा रहे हैं, और ये भी सूट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो अभी क्योंकि हम लेट हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से मैं
सारा आपको डिटेल में नहीं दिखा सकी, अभी मैंने जस्ट एक ओवरऑल व्यू लिया जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हम लेट काफ़ी हो गए थे। इन पे भी अप टू 40% तक ऑफ था, और अच्छी बात ये थी कि इनमें सारे साइजेस अवेलेबल हैं, आपको हर साइज़ जो आप लेना चाहते हैं वो इजीली इसमें अवेलेबल हैं। हाँ, लेकिन बच्चों का जो था ना उसमें थोड़ा साइजेस का मसला था, क्योंकि एक दो सूट मुझे अपनी भतीजी के लिए अच्छे लगे लेकिन उसमें साइज़ छोटा अवेलेबल था, बड़ा अवेलेबल नहीं था। वो मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊंगी भी कि मुझे कौन सा अच्छा लगा था। ये इनके टू पीस हैं और टू पीस पे भी ऑफ होके काफ़ी अच्छी प्राइस हो गई थी। ये भी आप देख सकते हैं कि 1010 रुपये का टू पीस, और ये भी इसी तरह सारे थे, मतलब कम रेंज में थे और इन पे भी ऑफ था। अगेन ये लॉन स्टफ में हैं सारे, तो आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादातर मुझे ब्लैक ही नज़र आ रहे थे, ब्लैक एंड वाइट, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी अच्छे डिज़ाइन थे। आप देख सकते हैं ये सारे टू पीस हैं और इनके साथ शिफॉन के दुपट्टे थे, शर्ट पीस और शिफॉन का दुपट्टा, ये इनके साथ सारे अवेलेबल थे। थ्री पीस में भी शिफॉन वाले दुपट्टे के साथ अवेलेबल था, और मोस्टली इनका शिफॉन का दुपट्टा ही होता है। तो इसके अलावा बच्चियों की भी बहुत अच्छी कलेक्शन थी, और छोटे बॉयज़ के लिए भी बहुत अच्छे इनके ज़्यादा इनकी कलेक्शन थी, क्योंकि उसमें मेरा बॉयज़ में इतना कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा उसका दिखाया भी नहीं, उस पर भी ऑफ था। तो ये मैं आपको ओवरऑल एक व्यू दिखा रही हूँ, एंड पे मैं थोड़ा सा बॉयज़ का भी दिखा दूँगी, और ज़्यादा नहीं मैं ले सकी क्योंकि एक तो उधर से कुछ लेना नहीं था, इस वजह से ज़्यादा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। ये छोटी गर्ल्स के थे और इसमें तो बहुत ही अच्छे डिज़ाइन थे, लेकिन अगेन वही कि ये थे सारे लॉन के, सर्दियों में इनका कोई काम नहीं था, इस वजह से हमने इनको थोड़ा देखा ही बस, हमने लिए नहीं। इसमें एक मुझे पसंद था जो आगे जाके मैं आपको उसका एक दिखाऊंगी, थोड़े से मैंने वो भी ले, इसमें साइज़ अवेलेबल नहीं था मेरी भतीजी के लिए, क्योंकि मेरी भतीजी माशाल्लाह थोड़ी बड़ी है, ये उसको पूरा नहीं था। ये बॉयज़ का सेक्शन है। तो अब मैं वीडियो एंड करती हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। अल्लाह हाफिज़।